गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी नर्स का मामला लेके आए हैं जिसने लॉकडाउन में फर्ज को सबसे पहले रखा और उस दौरान ही अपनी शादी को भी टाल दिया। पर ससुराल वालों ने क्या फैसला लिया, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, नजर डालते हैं इस मामले के ऊपर। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बताइए जरूर कि जो आजकल जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो नर्स बन रही है, डॉक्टर बन रही है, काफी आगे तक पहुंच चुकी है। और जो लोग ऐसे हैं कि बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं, बेटियों को एक्चुअली में रास्ते पे छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने पहले भी हमारी एक वीडियो देखी है जहां पर एक नवजात बच्ची को रोड पे छोड़ दिया है, उस दौरान ही तो ऐसे लोग जो मेंटालिटी, उनकी मेंटालिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपकी नजर में उन लोगों की मेंटालिटी क्या है। मैं तो सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगी कि जो लोग बच्चियों को पैदा नहीं होने देते, तो जब उनकी औरतें जब बीमार होती हैं या वो प्रेग्नेंट होती हैं, तब वो हॉस्पिटल में जाके एक्चुअली में कोई डॉक्टर को ऐसा ना ढूंढे कि हमें लेडी डॉक्टर चाहिए। आपके क्या विचार है बताइए जरूर। ये जो हमारे सामने मामला आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ से आ रहा है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर शर्मिला नाम की एक नर्स रहती है। हालांकि अभी वो चंडीगढ़ में तैनात है, चंडीगढ़ में सेक्टर 49 में स्थित एक डिस्पेंसरी है जहां पर वो नर्सिंग का काम करती है। 7 अप्रैल को चंडीगढ़ की सब्जी मंडी में वो लगातार सब्जी मंडी और ग्रीन मार्केट में वो लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह कर रही है, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं पीपीई किट पहन के रखती हैं सुबह से शाम तक। और हम आपको बता दें कि वो उनसे बातचीत भी करती रहती है और उनकी पूरी डिटेल वगैरह भी लेती रहती है और उनकी टेस्टिंग वगैरह भी, स्क्रीनिंग वगैरह भी होती है, पूरे दिन होता है। अपना फर्ज वो इतने बखूबी से निभा रही हैं कि लोग भी जब अपना चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तब खुश होकर स्माइल उनके फेस पे टेस्ट करवाने के बाद होती है, क्योंकि वो इनका तरीका ही कुछ बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ और खुश होकर बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे देश के जो कि ये वॉरियर्स है वो ऐसा कर रहे हैं, काफी ज्यादा सुनने के लिए अच्छा लगता है। ये जो शर्मिला है, ये बिलासपुर की रहने वाली है, 9 फरवरी को इनकी एंगेजमेंट हुई थी और 1 मई को इनकी शादी होने वाली थी। अभी चंडीगढ़ में है, नर्सिंग में है, पर उससे पहले ही ये आ सकती थी घर पे, पर इन्होंने अपनी शादी का जो कि कार्ड वगैरह भी हो चुके थे फिक्स और भेज भी चुके थे सब लोगों को कार्ड, उस दौरान ही इन्होंने फैसला लिया शर्मिला ने कि वो अभी लॉकडाउन के बाद भी कर सकती हैं शादी, पर इस वक्त जो जरूरी है कोरोना वायरस से लोगों को बचाना, उनकी स्क्रीनिंग करना वो ज्यादा जरूरी है, तो मुझे ये सब चीजें करनी चाहिए, मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। इस चीज को देखते हुए जब शर्मिला से बात की गई, तब उन्होंने ये चीज बताया कि जब मैंने ये डिसीजन लिया तब मेरे मम्मी पापा और मेरे ससुराल वाले भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और उन्होंने भी मेरा सहयोग दिया, और उस दौरान उन्होंने बोला कि सही बात है बेटा, लॉकडाउन के बाद आराम जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी तब खुशी खुशी शादी मनाएंगे और खुशी में आप लोग के जब जीवन स्टार्ट होगा तब उसमें काफी सारे लोगों को भी बुलाएंगे, जो सब लोग आप लोगों को आशीर्वाद दे। सही बात है यार, आशीर्वाद मिलना चाहिए, लोगों का आना काफी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन में काफी सारे लोग शादी तो कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि लॉकडाउन में शादी करनी नहीं चाहिए, लॉकडाउन के बाद करनी चाहिए शादी, कि आप लोगों के पास सब लोगों का आशीर्वाद आए, आप लोगों की बारात में शरीक हो लोग आए। तो आपका क्या विचार है बताइए जरूर कि लॉकडाउन में शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।